जो कांग्रेस के समय में केवल 632 करोड़ था, आज मध्य प्रदेश का रेल का बजट 14,730 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। मध्य प्रदेश में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। तो विगत 10 वर्षों में 1,062 फ्लाईओवर से लेकर के कई प्रकार के रेल की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी, तब कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। मैं आज इस सदन में उल्लेख करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक इस देश पर राज किया। कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री, मैं उनका नाम उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता, मैं सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कहते थे इस देश के अंदर कि हम 100 रुपए अगर गरीब के लिए भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, लेकिन आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट के अंदर फिर प्रावधान किए उसके आधार पर, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर, आज इस भारत के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उभर करके आए हैं। ये मोदी जी के रहते ही इस देश के अंदर संभव हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना जो 2020 से लागू हुई, 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क अनाज, आयुष्मान भारत योजना में 30 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ परिवारों को उनके सर पर छत देकर उनके जीवन में खुशी लाने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक बहनों को चूल्हे से मुक्ति दिलाकर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम इस भारत के अंदर किया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब इस देश को उन्होंने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा, तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस